दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिड रेन क्या होता है और इसका हमारे शरीर पर क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। आमतौर पर जो बारिश होती है उसमें पानी का पीएच लेवल 5.3 से लेकर 6 तक होता है, लेकिन जब आपके आसपास के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये गैस बारिश में पानी के साथ मिलकर उसे ज्यादा एसिडिक बना देती है और शहर में मौजूद तमाम तरह की फैक्ट्री, कारखाने और गाड़ियों से निकलने वाले धुआं ही एसिड रेन का सबसे मुख्य कारणों में होता है। और खास तौर पर ऐसे कारखाने जिसमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, उससे निकलने वाले धुओं से एसिड रेन या अम्ल की संभावना बढ़ जाती है। आसान भाषा में समझें तो कारखानों से निकलने वाले ये धुओं की वजह से हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और जब मॉनसून आने पर पहली या फिर इनिशियल डेज की बारिश होती है तो वो इन एसिड केमिकल्स से होकर हमारे धरती पर आती है और इसी की वजह से वो बारिश का पानी एसिडिक हो जाता है। और इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि मॉनसून आने पर पहली बारिश में हमें नहीं नहाना चाहिए। तो आइए अब इन एसिड रेन से होने वाले नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप एसिड रेन के संपर्क में आते हैं तो इससे आपके शरीर पर दाने निकल सकते हैं और सांसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। खास तौर पर यह बारिश इंसानों के दिल और फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। इतना ही नहीं, एसिड रेन का सबसे बुरा असर फसलों पर भी पड़ता है और इससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है। इन एसिड रेन की वजह से फसल भी खराब होते हैं। एसिड रेन का पानी जब झीलों और नदियों के पानी से मिलता है तो उस पानी को भी खराब कर देता है और उस पानी में रहने वाले मछली और अन्य प्रजातियों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि अधिक मात्रा में एसिड रेन होने से तालाब या नदी में मौजूद मछलियाँ भी मरने लगती है। इसके अलावा यह बारिश हमारे इमारतों को भी नुकसान पहुँचाती है और इस एसिड रेन की वजह से ही आगरा में मौजूद ताजमहल के सफेद संगमरमर अपनी सफेदी खोते जा रहे हैं। तो इन एसिड रेन की समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले हमें कारखानों को बंद करना चाहिए, खासकर वैसे कारखानों को जिनमें जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। इन कारखानों में जीवाश्म ईंधनों की बजाय पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं और एसिड रेन की समस्या को खत्म करने के लिए हमें अपने तरफ से भी कुछ जागरूकता रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि एसिड रेन क्या होती है इसके बारे में आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।